पूर्णिया जिला हमेशा से ही सर्वधर्म संभाव और आस्था के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ सभी धर्मों के प्रतीक स्थल आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ माता पूरन देवी का मंदिर है तो ऐतिहासिक चर्च और गुरुद्वारे भी हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों में मंदिर, मस्जिद और गिरजा गुरुद्वारे के प्रति अपार आस्था भी देखा जाता है। लेकिन हम जिस आस्था स्थल की बात कर रहे हैं, वह एक ऐसा आस्था स्थल के रूप में वर्षों से स्थापित है जो तमाम धार्मिक आस्थाओं से काफी ऊपर है, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी के भजन के बोल ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान हर दिन चरितार्थ होते देखे जाते हैं, और यहाँ आकर अपनी आस्था प्रकट कर लोग मुरादे मांगते हैं और वह जरूर पूरा भी होता है। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूं, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आने से जब मेरा ससुर जी इनका पूजा करते थे सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आए तो मेरा मालिक जो है इनका पूजा बहुत दिल से करते हैं। पीर बाबा का पूजा करते हैं इसलिए कि जो अपने बाल बच्चा समाज में जो है सबका रक्षा करते हैं तो ठीक है, इसी कारण से उसका पूजा करते हैं। मेरा बाबूजी ससुर जी जो इनका सेवन करते थे, और ससुर जी का माँ पिताजी वो सब भी किए थे। ससुर जी मेरा इधर हाजीपुर कहीं सकसोरा कहीं कोई गांव था, उसी जगह पहले उन लोग का घर था। वहाँ से ड्यूटी करते 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 आप जलालगढ़ आ गए तो उन लोग रिटायर हो गए, बूढ़ा थे रिटायर हो गए, तो हम लोग को जमीन जगह खरीद करके यहाँ पर दे दिए। उन लोग पहले छोटा मोटा वहाँ ससुर जी रखते थे क्वार्टर का बगल में, तो क्वार्टर से जो रिटायर हो गए तो ली होके मेरा अपना जो जमीन था इसी में आकर के रहने लगे। तो वो घर में आंगन में रखते थे, आंगन में तो हमारा जगह नहीं था। हम बोले हम जब अपना पक्का बनाएंगे ढंग का घर द्वार बनाएंगे, बाबा का देन होगा तो देंगे, तो बना देंगे तो इनका भी पक्की कर देंगे। तो दिए उनका दया से जो हुआ सो बन गया, तो इनको भी पक्की कर दिए। बहुत बहुत हम लोग मानते हैं, सब सब तो मनवे करता है, कोई ऐसा ना जिसको फायदा तो मनवे करेगा, उसको अच्छा बना रही है तो मनवे करेगा। हाँ, फिर का मनता बहुत। यह आस्था है एक जागृत मजार, और यह अवस्थित है जलालगढ़ के रेलवे स्टेशन के समीप एक हिंदू परिवार के घर के सामने, और इस धर्मस्थल की सेवा पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसी हिंदू परिवार के द्वारा की जा रही है। इस आस्था स्थल के बारे में इस परिवार का कहना है कि यह परिवार इस मजार पर मांगी गई कई मुरादों के पूरे होने का गवाह कई पीढ़ियों से बनता आ रहा है। खुद भी इस परिवार के संकट इसी पीर बाबा के कृपा से दूर होते रहे हैं। हमारे दादी के घर पर आते थे, हू बहु आते थे और उनको सपना दिए दादी को, और उसी स्थापना में पहले हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, हमारे फादर जी रेलवे कॉलोनी में थे, तो वहाँ से एक छोटा सा दिया गया। वहाँ से देने के बाद फिर उनको सपना आया हमारे बाबू जी के देखे, बोला कि आप उसको बढ़िया से बनाइए, तो हम लोग तो नहीं बना पाए, उस समय पैसा था नहीं जो हम लोग के पास ऐसा हाल रहेगा, हाल का हम लोग बेहाल थे। उसके बाद इनके हम लोग यहाँ आके कबूले कि आप पीर बाबा आपको अगर बढ़िया ढंग से बनाएंगे और आप हमको पर सेवा कीजिए, तो उस दिन से सेवा किया। ऊपर से हमारे बेटा छत पर से नीचे गिर गया तो मुँह से ब्लड गिरा, फिर उसके बाद आए फिर बोले फिर बाबा
हमें बच्चा को ठीक कर दीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो तुरंत डॉक्टर पास गया, तुरंत रुक गया, खून रुक गया। उसके बाद उसी बार से चमत्कार, किसी का आँख अगर खराब हो जाता था तो कबूल करता था तो उसका आँख साफ दिखाई पड़ता था। जिस बच्चे को दिल्ली भाग गया और जो बच्चा नहीं आना पा रहा था उसको कबूल कर करके वो दिल्ली से वापस चले आते थे, घर एक महीना हो या डेढ़ महीना हो वापस उसका घर चले जाते, जो अपना चादर चढ़ा है वही सब चढ़ाते हैं। लगभग 100 वर्ष पुराने इस पीर बाबा के मजार पर सभी धर्मों के लोग माथा टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर आस्था के साथ चादर भी चढ़ाते हैं। हमारे पुष्प, हमारे दादी जी, हमारे दादाजी, हमारे बाबू जी, हमारे भैया जी, ये सब इनकी पूजा करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। हमारे जो भी इसको कबूल करके जाते हैं वो अच्छी तरह इनका सेवा जरूर उनको भी करते हैं और उनके ऊपर चादर भी चढ़ाते हैं। जिसको जो मन श्रद्धा है वो अपना श्रद्धा के अपार के साथ करते हैं। और हमारे बहुत अच्छी पीर बाबा हैं, पीर बाबा में कोई कमी नहीं होता। इनकी आवाज़ तो रात में सुनना है तो सुनिए, झन झन आवाज़ करेंगे और बहुत हमारे अच्छे देवता। सही मायने में यह पीर बाबा का मजार एक ऐसा आस्था स्थल है जो अपने आप में एक मिसाल है और धार्मिक एकता का प्रतीक भी बना हुआ है, जो पूर्णिया के लिए गौरव की बात है। कोसी आलोक के लिए आनंद किशोर के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।